हेलो दोस्तों, मैं आमोद आपको मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज जो दोस्तों मैं एक टॉपिक लेकर आया दोस्तों, काफी दोस्तों ने कमेंट किया था कि केवाईसी के बारे में एक वीडियो जरूर बनाया जाए। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि केवाईसी क्या होती है। जैसे कि आपको पता होगा केवाईसी इन बैंक, पता ही आपको केवाईसी डिजिटल केवाईसी का काफी तरह केवाईसी अभी आ गया है मार्केट में, आपको केवाईसी करना पड़ेगा। तो आप दोस्तों घर बैठे केवाईसी कैसे करेंगे? तो दोस्तों आपको करना क्या है, मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ आपको जो केवाईसी करना होगा घर बैठे ही कर सकते हैं केवाईसी। तो आपको पता है कि केवाईसी क्यों करता है? केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है सारा बैंक में अगर केवाईसी हर साल अपडेट होना पड़ता है, अगर केवाईसी नहीं होगा अपडेट तो आपका पैसा नहीं निकलता है। केवाईसी क्यों जरूरी है दोस्तों? देखो केवाईसी के लिए आपको दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको बहुत जरूरी होना चाहिए, और साथ में फोटोग्राफ्स भी चाहिए आपको। तो आपको ये सब लेके आपको पहले बैंक जाना पड़ता था, और काफ़ी लाइन लगने के बाद क्या होता था कि हमारा केवाईसी हो पाता था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, 2023 में ये नियम पूरा बदल गया दोस्तों। अब आपको बैंक जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही केवाईसी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देखिए, आप अगर जब भी आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको क्या होगा, जिस बैंक का भी आपको खाता है या क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं, SBI का क्रेडिट कार्ड हो, चाहे PNB का हो, चाहे RBL बैंक का हो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं SBI का, तो ये सब जितने भी आप इसका वेबसाइट पर जब जाएंगे दोस्तों तो वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। अगर फॉर्म नहीं ढूंढ पाते हैं तो वीडियो यूट्यूब पर सर्च कीजिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारा फॉर्म मिल जाएगा लिंक का, और वहाँ से आप अपना KYC कंप्लीट कर सकते हैं। ये डिजिटल KYC भी होता है, आपको पता है डिजिटल KYC होता है, और आप ब्रांच में जाओ ऑफलाइन भी KYC होता है, ऑनलाइन भी KYC होता है। SBI बैंक का भी KYC अच्छा है, सारा बैंक में होता है। अगर आप परेशान है तो नियरेस्ट आधार सेंटर में जाइए, वहाँ से भी अपना KYC कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो KYC आप नहीं करेंगे तो आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है, पेमेंट विड्रॉ नहीं होगा, कोई बैंक रिस्क नहीं लेगी। KYC का ही मतलब होता है नो योर कस्टमर। अगर आपका KYC बैंक के पास हमेशा अपडेट है तो आपको क्या होगा, आपके पास सब कुछ सिक्योर है वहाँ पे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।